हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुरोंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आई कर लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन, एक क्या बनाइए आप 7 मीटर ऊंचा एक पहले भवन बना दीजिए। यहाँ लिखिए 7 सेंटीमीटर भवन के शिखर से, ये आपका ये हुआ शिखर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शिखर। शिखर से एक केबल टावर, एक शिखर से बोल रहा है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और एक आप पहले बनाइए केबल टावर के, उसके बाद फिर यहाँ से आपको एक बार फिर से पढ़ के दिखाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ से क्या बना रहा है, एक केबल टावर के शिखर का, शिखर यहाँ पे नहीं, केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण बना लेगा, लेकिन इसका आँख यहाँ पे हो रहा है तो इसीलिए आपका ये यहाँ तक होगा। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री का है, और इसके पाद का ये वाला नीचे, ये क्या है टावर है, इसके इस शिखर हो गया, ये आपका पद हो गया। ठीक है, पद का अवनमन कोण, अब यहाँ से वो नीचे की ओर देखता है तो कौन सा कोण बनाएगा, अवनमन कोण, ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, अगर बिल्डिंग से अगर नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनाता है, तो यहाँ से वो पद बिंदु देख रहा तो उसका अवनमन कोण बना देगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, और इसको मैच कीजिए, पद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई क्या, यानी टावर की जो ऊंचाई होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, जिसको आप मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी और ई। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना ए सी, ए और ई ज्ञात करना है, क्योंकि टावर की ऊंचाई ए और ई है। ठीक है, तो माना कि मान लीजिए, माना कि टावर की ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई जो आपका ए से ई होगा, ए और ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए के लिए आपको ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा या फिर आयत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आयत, आयत का प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो, क्योंकि बिल्डिंग क्या खड़ा है ना, उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये और ये भुजा क्या हो जाएगा बराबर, आयत के आमने सामने के भुजाएं क्या होते हैं बराबर, इसीलिए ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सिर्फ ज्ञात करना क्या, एसी, एसी आपको निकालना है, तो एसी कब निकलेगा, एसी जब ये दिया रहेगा तब, जब ये भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये भुजा का किसके भुजा बराबर होगा, बी सी का डी ई के बराबर होगा, यानी कि ये भुजा निकाल देते हम तो ये अगर डी ई निकाल लेंगे तो डी ई के बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो इसके लिए पहले आप डी ई निकाल लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा और ये आपको दिया हुआ है, तो इसका संबंध पी और ये आपका बी, क्योंकि ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण होगा। यहाँ पर देखिए अब ये क्या है, समानांतर ये दोनों होगा, आयत की ये दोनों क्या होता है, समानांतर होता है, जब एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण का ये कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे अब हो जाएगा इसका 45 डिग्री। ठीक है, ये करके दिखाना आपको होगा, 45 डिग्री हो गया, आप बनाइए। अब लिखिए त्रिभुज बी डी ई में पी और बी किसका रिलेशन होता है, पी बाई बी, पी बाई बी होता है टेन थीटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब देखिए टेन का टेन और थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री इक्वल टू पी का मान कितना दिया गया, देखिए पी का वैल्यू हो गया 7 और बेस आपका हो गया डी ई, यहाँ रखिए डी और ई। ठीक है, और टेन 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ रख दीजिए 1 इक्वल टू फिर 7 का 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी और ई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो डी ई बराबर 7। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए डी ई किसके बराबर होगा, बी सी, तो यहाँ लिख दिए बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहाँ चूंकि करके लिख दिए, चूंकि डी ई इक्वल किसका बनाएगा, बी सी का, बी सी। ठीक है, इसीलिए बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ए बी सी में, फिर देखिए आपको ये
ज्ञात करना और ये आपको दे दिया गया। देखिए बी सी दे दिया 7 सेंटीमीटर यानी पी और बी, फिर टेन थीटा लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई बी होता है, ठीक है। तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, और पी का मान आपका हो गया, पी का वैल्यू कितना हो गया, पी तो आपको ए सी है ना, ए और सी, और बेस क्या बना देगा, बेस क्या होगा बी सी, तो बी सी का जो वैल्यू आपका हो गया 7, यहाँ रख दीजिए 7। और टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, टेन 60 डिग्री वैल्यू हो गया √3 इक्वल टू ए सी का ए सी, और यहाँ पे क्या हो गया 7। क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या देगा 7, एक काम कीजिए पहले ए सी को ना कुछ तो 1 से इंटू कीजिए, क्या देगा ए सी, और इससे इंटू करेंगे क्या देगा 7√3, ठीक है। ए सी निकल गया और ये तो आपको दिया होता, ठीक है, तो आप निकाल लिए, यानी क्या क्या माने थे, माना कि टावर को चाहिए क्या ए ई, तो यहाँ लिखिए ए ई इक्वल टू ए को हम क्या करेंगे ए सी, ए सी अब प्लस सी ई को जोड़ देंगे, ए सी अब प्लस सी ई, सी ई, तो यहाँ देखिए ए सी का मान क्या निकाले थे 7√3, 7√3 प्लस, और सी ई का मान जो होगा सी ई, सी से ई कितना है 7, तो यहाँ रख दीजिए 7। अब यहाँ देखिए 7 7 क्या, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो 7 7 क्या निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया √3, अब प्लस मैंने कुछ तो यहाँ 7 निकल गया तो 1 रह जाता है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है, एक समुद्र तल आपका ये हो गया, यहाँ से एक ऊंचा दिया गया है ना, यहाँ से ऊंची कितना है 75 मीटर, 75 मीटर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यहाँ पे क्या है लाइट हाउस है कि शिखर से देखने पर दो, यहाँ से देखा जा रहा है ना, दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण जो होगा 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, यानी यहाँ पे जहाज जो है यहाँ से एक जहाज, यहाँ पे दूसरा जहाज है, एक दूसरे के क्या है ठीक पीछे है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात, यानी यहाँ और यहाँ बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे कौन सा कौन बना रहा है, यहाँ से वो नीचे की ओर देख रहे हैं, तो पहले आप इसको डॉट डॉट कीजिए यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से ये कीजिए, फिर यहाँ से इसको ये लाइए, उसके बाद पहले कितना बना रहा 30 डिग्री, तो पहले कितना अवनमन कोण 30 डिग्री, तो यहाँ पर रखिए, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक रखिए 30 डिग्री, ये क्या है समानांतर बनाए, इसका क्या बनाए हम, ये डॉट डॉट जो रही है एक समानांतर लिए, जब समानांतर होता है तो एक रेखा क्या करे प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ कौन सा कोण, यहाँ कोण बना रहा है, तो ये कोण का ये कोण होगा, तो पहले हम यहाँ रख ई और ये सट रहा है, ये और ये सट रहा, तो इसी का सट है वो ये आना चाहिए, यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री बनाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए 45 डिग्री। अब देखिए ये कोण किस में, ई रेखा हम सट रहा है, तो ई रेखा हम लाइए 45 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है तो लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात की, यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करना है, तो मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानिए, ठीक है, आप तो यहाँ पर लिख दीजिए, माना कि दो जहाज़ों की बीच की दूरी इक्वल टू सी डी है, ठीक है, क्या है सी और डी है, तो पहले आप छोटा त्रिभुज में हमेशा आते रहे, छोटा त्रिभुज आइए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, नीचे यानी कि बेस नीचे बनाता, ये आपको दिया है क्या पी, तो पी बाई पी किसका रिलेशन होता है टेन थीटा, तो यहाँ लिखिएगा टेन थीटा इक्वल टू पी वाई बी, तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे देख लिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में 45 डिग्री, यहाँ रखे 45 डिग्री इक्वल टू पी, यहाँ पे 75, यहाँ रखे 75, और बेस कितना हो गया, बेस दो आपको बनेगा बी और सी, बी सी, तो टेन 45 डिग्री वैल्यू कितना हो गया 175 बाई में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या देगा बी सी बराबर 75, ठीक है। अब त्रिभुज किस में आएंगे, ए बी डी में, बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है,
त्रिभुज ए बी डी में फिर वही ए और इसका रिलेशन यानी कि टेन थीटा इक्वल टू पी वाई बी का होना चाहिए, ठीक है। तो टेन का टेन और थीटा का जो वैल्यू होगा 30 डिग्री इक्वल टू पी, पी का जो मान होगा आपका 75 और बेस, बेस क्या बना देगा बी सी, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में आए ना, तो ए बी डी में बेस यहाँ से लेके यहाँ तक, केवल ये नहीं होगा यहाँ से लेके यहाँ यानी बी सी डी, तो इसको तोड़ के लिखिए बी सी अब प्लस बी सी प्लस सी डी, सी और डी, तो 10 जो 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 75 और बी सी का जो मान हुआ था बी सी, देखिए बी सी, बी सी का जो वैल्यू है 75 ही रखिए अब प्लस सी और डी, सी डी तो ज्ञात करना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए, 1 को 75 से इंटू करेंगे 75 और प्लस सी डी उतना ही आ जाएगा, तो यहाँ पे नोट कीजिए 75 और प्लस सी और डी इक्वल टू, इसको इससे इंटू करेंगे तो वही दे देगा, ठीक है 75√3। अब ये देखिए सी डी रहने दिए क्योंकि आपको सी डी ज्ञात करना है, तो सी डी का सी डी ये जो पहले 100 उतार दीजिएगा, ठीक है सी डी का सी डी इक्वल टू के बाद जो पहले रहेगा पहले वो उतारिए, उसके बाद इसको आप इधर कर दिए प्लस से माइनस 75, तो सी डी 75 क्या निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 और यहाँ पे माइनस ने कुछ तो क्या 1, यही आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए, कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।